नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रेवसा सीतापुर। सीतापुर रेवसा क्षेत्र के विधानसभा सेवता 150 के सुपौली गांव में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू की अगुवाही में सभा का आयोजन किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा के मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सभा में बोलते हुए पूर्व विधायक झीन बाबू ने स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव के व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधों के साथ उनके राजनीतिक यात्रा पर चर्चा की गई। इस मौके पर सीताराम यादव, राजित राम शुक्ला, दिनेश प्रताप सिंह, श्याम जी शुक्ला, सुरेश प्रकाश मिश्रा, पप्पू बगैया, संजय शुक्ला, रिजवान अहमद, श्रवण कुमार निर्मल, सतीश सिंह, अनूप, अभिषेक पांडे, अहदुल, अखिलेश मिश्र, शाह आलम खान सहित क्षेत्र के विपिन यादव, भूखन यादव, भल्लर डेलिया आदि ग्रामवासी और सभी सपा समर्थक के मौजूद रहे। मंच का संचालन राहुल सिंह ने किया। हम लोग और आप लोग अमर रहे का नारा लगाएंगे। आदरणीय नेताजी, आदरणीय नेताजी, आदरणीय धरती पुत्र, आदरणीय मुलायम सिंह जी, श्रद्धेय सिंह, एक शख्स के 3 नामों से पहचान हो तो शायद राजनीति के क्षेत्र में ऐसा कोई भी बड़ा नेता नहीं होगा जिसका 3-3 नामों से उसका परिचय हो। परम श्रद्धेय इस देश की सीमा पर, देश की सीमा से अंग्रेजों के भगाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको नेताजी के नाम से देश और दुनिया जानती थी, उनके बाद में अगर किसी को नेताजी के रूप में जाना गया है तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। और धरती से निकले हुए थे, जो कहा जाता है कि हाँ ये जमीनी नेता हैं, तो वास्तविकता इसी बात की है, तभी उनको धरती पुत्र कहा गया है क्योंकि वो जमीन से ही निकले हुए थे। इसका सबूत इस बात से है कि वो एक अध्यापक हुआ करते थे और जो पढ़ाने के लिए जाते थे तो साइकिल से जाते थे। जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, बात चुनाव चिन्ह की आई तो उन्होंने धरती से जुड़े हुए ही उस वाहन का नाम लिया जो घर घर में है और साइकिल चुनाव चिन्ह अपने लिए मांगा। ये एक धरती पुत्र होने का सबसे बड़ा सबूत है। मैं उनको नमन करता हूं। अभी राजित भाई बता रहे थे, आदरणीय नेताजी आए थे, तो आदरणीय नेताजी के साथ में आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी भी थे और बहुत से लोग थे। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी थे, सद्गुरु प्रकाश जी थे, हीरालाल यादव जी थे और तमाम ऐसे नाम हैं बड़े बड़े नेताओं को जिनको बहुत से लोगों ने सुना तक नहीं होगा, हो सकता है देखा तक ना हो। ये सामने वाला जो कमरा बना है, तब किस
टेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब गांव में चारपाइयां इकट्ठी की जाती थी, गलीचा मंगाए जाते थे और वही डालकर उसी पर लोग बैठते थे, ज्यादा से ज्यादा कुर्सियां मिल जाती थी। इसी कमरे में चारपाई पर, गलीचे पर हमारे पास फोटो रखी हुई है अब भी, परम श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी दोनों लोग इसमें थे, और जिनको मैं पिता के समान मानता था, हमारे ससुर साहब आदरणीय भगवती सिंह साहब वो थे, मुख्तार अली साहब उसमें थे, अशोक वाजपेयी जी थे, सारे लोग इस कमरे में बैठे हुए थे। पूरा दिन लगा था, सुबह आए थे और रात में 10 बजे यहाँ से निकले थे। मैं उस वक्त विधायक नहीं था, मैं जैसे आप लोग हो, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था, जैसे अखिलेश हैं, जैसे शाह आलम हैं, जैसे सरवन हैं, इस तरीके से मैं कार्यकर्ता हुआ करता था। और मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए नेताजी यहाँ तिलक लेकर आए थे, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये हमारे लिए गौरव के लिए गौरव है, और ये हमारे जीवन के साथ ही जाएगा, जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक उनकी याद हमारे सीने में दबी रहेगी। और तो और एक बार का और वक्त है कि हमको याद आ रहा है, एक बार हरदोई में उपचुनाव हो रहा था, हिफाजत तुम गए थे उस उपचुनाव में, हैं? चौधरी चांदराम जी लड़ रहे थे, श्री बिहारी थे और भी 5-6 लोग थे। हमने अपनी खुली वाली जीप को हरे रंग के कपड़े से पूरी उसकी सजावट कराई थी, पूरा थान खरीदा गया था और साफा बांधे हुए थे हम लोग, झंडा भी हरा था। एक जगह कहीं हुई हरदोई में है, नाम याद नहीं, वहां सभा हो रही थी, आदरणीय नेताजी बोल रहे थे और उस सभा की तरफ जब हमारी जीप आई, पब्लिक खड़ी थी उसके पीछे, दूर से हरे रंगों से पूरी वो जीप चमक रही थी, तो बड़े भाई मुख्तार अली साहब ने नेताजी के कान में कहा कि ये लड़का झीन बाबू बड़ी मेहनत कर रहा है, अपनी गाड़ी लेकर आया है और देखिए कैसी गाड़ी सजाया है, इसको मंच पे बुलवा लीजिए। तो माइक जब उनके हाथ में था और भाई साहब उनके कान में कह रहे थे, तो उन्होंने उसी माइक में ही बोल दिया, अरे तुम मत बताओ, मैं जानता हूं ये दामाद है मेरा, रोकना नहीं कोई, इस गाड़ी को आने देना। आज भी मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है कि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी ऐसे आदमी ने मंच से ये कहकर कहा। आजकल हम किसी को बेटा नहीं कह सकते, किसी को भाई नहीं कह सकते, और उन्हें दामाद कहकर मंच से पुकारा था। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। हम लोगों के रिश्ते राजनीतिक नहीं हुआ करते, हम लोगों के रिश्ते संबंधों के हुआ करते, हम लोगों के रिश्ते बिरादरी से जुड़े नहीं होते हैं, हम लोगों के रिश्ते इंसानियत से होते हैं। कौन किस बिरादरी का है इसको मैं नहीं जानता, न हमारे नेता जानते थे। हाँ, जो अगर कोई चूक करेगा
तो उसको अपनी सजा उसको खुद मिल जाएगी, और जो इनके बताए हुए रास्ते पर चलता रहेगा वो आज अगर कहीं पे गिरा है तो कल निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जाकर खड़ा हो जाएगा। ये इनकी ही देन है। अभी जो शौचालय के संबंध में बात कही थी राजीव भाई ने, तो उसको नाम दिया था कि महिला ढोने की प्रथा को खत्म किया जाए। जो रात वाली बात कही कि महिलाएं लेके जा रही थी, तो उनसे वादा किया कि कल ही से ये महिला ढोने की प्रथा जो है ये खत्म कर दी जाएगी। आज उसने दूसरा आकार ले लिया है, दूसरा रूप ले लिया है, लेकिन उस रूप को, उस आकार को देने वाले आदरणीय नेताजी हैं। जैसा कि दिनेश भैया ने कहा कि नेताजी खत्म नहीं हुए हैं, नेताजी का देहांत नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति होता, हम होते, आप होते, कोई दूसरा होता, कोई व्यक्ति होता, कहते कि आज वहां मिट्टी हो गई, आज वो व्यक्ति खत्म हो गया, तो व्यक्ति तो खत्म हो सकता है लेकिन सोच नहीं खत्म हो सकती, विचार नहीं खत्म हो सकते। तो आदरणीय नेताजी ऐसी शख्सियत थे, ये आज नहीं, ये आदिकाल तक, जब तक ये धरती रहेगी तब तक धरती पुत्र का नाम रहेगा इस धरती पर। मैं काफी देर से, लोग आ जा रहे थे और लगभग 11 बजे से शुरू हो गए थे आना। इतना समय आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आभार प्रकट करूँगा, क्योंकि आप ऐसे व्यक्तित्व के लिए आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और दूर दूर से भी आए हैं, तब भी आप सबको की तरफ से मैं नेताजी के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा जहीं जहाँ कहीं भी हो, भगवान अपने चरणों में स्थान दे। एक सोशल मीडिया पे चल रहा था, मुझको बहुत भावुक कर दिया उसने। बादल बने हुए हैं, सामने सूरज की रोशनी हल्की सी इधर उधर छिटक रही है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, आदरणीय नेताजी धोती का एक खून पकड़े और सामने की तरफ सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे हैं, और नीचे स्लोगन लिखा हुआ है कि हे ईश्वर ध्यान रखना, मेरे धरती के भगवान आज आपके यहां आ रहे हैं। मैंने जब वो लाइन पढ़ी, पूरे सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने देखा होगा कि हे ईश्वर आज मेरे धरती के भगवान आ रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग केवल उत्तर प्रदेश नहीं, केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी राजनेता का देहांत हुआ हो लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद अभी तक कहीं नहीं हुआ होगा। जो हमारे परम सत्य, हमारे गुरु, हमारे आदर्श, हमारे नेता के लिए लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं खुलकर कहना चाहता हूं, और शायद आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर समाजवादी पार्टी को जिंदा रखना है, समाजवादी पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है, तो आदरणीय नेताजी नहीं रहे, उनके विचार ही रहे हैं, परिवार को एक हो जाना बहुत जरूरी है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हो?
कि परिवार एक हो जाए, अगर परिवार एक हो जाएगा तो समाजवाद का नाम जिंदा रहेगा और मुलायम सिंह के विचारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हमारा आप